4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 9x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमने फैक्टराइजेशन के रूल से हल करना है। फैक्टराइजेशन के लिए वही सेम हमारा प्रोसेस होगा, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 45x का स्क्वायर बनेगा। x के स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम, हमें सिर्फ माइनस 45 चाहिए। अब इस वैल्यू को x के साथ जो वैल्यू, इस तरह हम दो वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आए और प्लस माइनस करने से ये वैल्यू आए। 45 देखते हैं किन किन वैल्यू से हमारे पास, किन किन वैल्यू को, दो वैल्यूज़ को एक्चुअली मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 45 हमें मिलेगा। उसके लिए हम देखते हैं 45 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 45 मिल जाता है। इसके अलावा 9 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 45 मिल जाएगा। इसके अलावा 15 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 45 मिल जाएगा। अब इधर हम देखते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो है, इसको 45 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 45 तो हमें मिल जाएगा, मगर इन दोनों को प्लस माइनस करने से हमें माइनस 12 नहीं मिलेगा, तो ये कैंसिल वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू को हम देखते हैं, 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें 45 मिल जाएगा, मगर इसको प्लस माइनस करने से हमें माइनस 12 नहीं मिलेगा, ये भी वैल्यू रहने देते हैं। अब ये लास्ट वैल्यू देखते हैं, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 45 मिल जाएगा, और 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, उसके लिए 9x का स्क्वायर। अब इधर ज़रा ये चीज़ गौर करने वाली है कि हम माइनस 15 लिखेंगे x प्लस 3x लिखेंगे माइनस 5x लिखेंगे। अब देखें, माइनस 15 में से प्लस 3 निकालें तो माइनस 12 बचेगा, और 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 45 आएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस ही हमें मिलेगा। अब हमने ये स्टेप ठीक किया है कि नहीं, इस बात का हमें नेक्स्ट स्टेप पे पता चल जाएगा जब हम नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं इन दोनों वैल्यूज़ में, देखते हैं क्या कॉमन हमें मिल रहा है। 3x कॉमन लिया, माइनस 5 ये बचा हमारे पास इधर, प्लस इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं मिल रहा, हम 1 कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 3x प्लस 1, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, प्लस इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अलग-अलग दोनों वैल्यूज़ को हम कर लेते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3x वैसे ही प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा, x वैसे ही लिख देते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर माइनस 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई, इधर आ जाते हैं हम, 3x वैसे ही 5 उधर जाकर प्लस हो गया, x वैसे ही 3 उधर जाकर डिवाइड हो गया, दोनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं x की। सॉल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं, माइनस 1 बाई 3 एंड 5 बाई 3। ये था हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3।